Hi guys, welcome back to our channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, आज आप लोग जैसा कि चाहते थे DIY light आप लोग को भी मैं बताऊँ किस तरह से बनानी है. तो guys, आज वो दिन आ गया है. तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि DIY light आपके टैंक में लगाने के बाद आपके टैंक का गेटअप के साथ है. So let's go and see. देख लिया आप लोगों ने वीडियो में कि DIY light बनने के बाद आपका टैंक वैसा ही दिखेगा जैसे आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल एक्वास्केपर प्रोफेशनल मरीन स्केपर प्रोफेशनल बड़े बड़े लोग. मैं तो बहुत छोटा सा हूँ क्योंकि मैं नीचे से ऊपर आया हूँ ना, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है. तो वो स्ट्रगल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस. तो इसीलिए आप भी कोई भी नॉलेज मत छोड़ेगा. मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ हर चीज़ के ऊपर रिव्यू में है, लेकिन फिर भी अगर जो आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा. मैं कमेंट में आपको हमेशा जवाब दूंगा और आपके जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके हिसाब से बाकी किसी इंसान को भी या किसी बदले को भी जरूरत पड़ेगी ना. इसीलिए गाइस आप ये मत सोचा कीजिए कि मैं वीडियो उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बनाता नहीं हूँ. टाइम लगता है गाइस, जैसे ये वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है. सो गाइस आज जो दिन आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपकी दिवाली वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी. तो गाइस आज वो दिन आखिर में आ गया है जहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि DIY लाइट जो कि बार लाइट्स जो कि रेडियो लाइट्स लगने के बाद आपके टैंक का गेटअप आता है, तो वो लाइट्स कैसे बनती है और आप भी अपने आप बना सकते हैं DIY लाइट, तो किस तरह से बनाना है और कैसे बनाना है. तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गाइस. और गाइस ये वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है. तो गाइस अगर जो अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब किया नहीं भूलूंगा गाइस. अगर जो आपको अच्छी वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको सब नॉलेज प्रॉपरली मिले. ये हमारे DIY लाइट है गाइस, की तरह गाइज ये DIY लाइट 400, 500, 300 रुपए की नहीं है. इसको बनाने में अच्छा पैसा लगता है, लेकिन आपके बजट में बनता है. आप खुद डिसाइड कीजिए और खुद ढूंढिए और अच्छी से अच्छी DIY लाइट बनाइए. मैं आपको रेट्स नहीं बता सकता हूँ गाइज, हर एक चीज़ का हर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आपको लगानी है. बहुत मेहनत लगती है, जैसे कि आप सब लोग को मालूम है कि मैं जॉब करता हूँ. सो जब भी मुझे टाइम मिलता है वो हिसाब से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने किया है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ. और वो सब चीज़ें जो मैंने देखी है, मैंने फेस की है, मैंने चलो आप लोग स्ट्रगल करो और आप लोग अच्छी तरह से एलईडी लाइट बना लीजिए. सो गाइस चलते हैं देर ना करते हुए, एलईडी लाइट किस तरह से बनानी है चल के देखते हैं. गाइस आपको सबसे पहले एक सोल्डरिंग मशीन, सोल्डरिंग पेस्ट, हिक्सिंग प्लेट, हिक्सिंग ट्रैक और एक एक्सटेंशन बोर्ड और एक पेन और एक मेजरमेंट टेप आप ले लीजिएगा. गाइस आप हिक्सिंग ट्रैक को इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा मेजरमेंट करके, एक टेप की हेल्प से उसको सेंटर में आप मार्किंग करके आपको लगाना है. आपने अगर जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा कि आपको DIY लाइट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा. तो वो हिसाब से आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं. अब जो हमारी हिक्सिंग प्लेट है, हिक्सिंग प्लेट में हम हिक्सिंग ट्रैक को लगा देंगे. अब हमने
सेंटर जो है मार्क कर लिया है। अब आप अगर जो इसको सोल्डर करेंगे तो सोल्डर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आप ड्रिल की हेल्प से आप इसमें होल्स करके आप इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर लीजिएगा, सो दैट हिस्किंग ट्रैक्ट हिस्किंग प्लेट में अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, ड्रिल करके इस तरह से आप हिस्किंग ट्रैक को इस तरह से लगा सकते हैं। यह हिक्सिंग प्लेट के ऊपर हिक्सिंग ट्रैक लग गए हैं, हिक्सिंग प्लेट, उसको हिक्सिंग प्लेट भी बोलते हैं। अब इस तरह से आपको इसको लगा लेना है और इसको पाउडर कोटिंग के लिए भेज देते हैं। अभी आपको भी इसको पाउडर कोटिंग करवानी पड़ेगी और जहां पे आपने स्क्रू लगाया है वहां पे बाद में आप उसको अच्छी तरह से सोल्डर कर दीजिएगा, सो दैट जो हीट है वो उसके थ्रू ट्रांसफर हो सके, क्योंकि आपकी जो LED रहेगी वो हीट को ऑब्जर्व करेगा हिक्सिंग ट्रैक हिक्सिंग प्लेट। अब पाउडर कोटिंग होके हमारा हिक्सिंग प्लेट आ चुका है, तो देखिए गाइस आफ्टर पाउडर कोटिंग आपकी हिक्सिंग प्लेट कैसे दिखेगी। अब गाइस सबसे पहले आपको PCB बेस लेना है, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको PCB बेस बोलते हैं, जिसके ऊपर हम LED को लगाएंगे। अब इसमें 12 वॉट भी है और 9 वॉट की भी है, तो मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगा किस तरह से आपको अपनी LEDs को इसके ऊपर लगाना है। ये PCB बेस है गाइस, आप ऑनलाइन इसको कैसे मंगा सकते हैं या तो अपने हिसाब से आप कोई भी PCB डिजाइन करके, आपको स्क्वायर में चाहिए, आपको स्ट्रेट स्ट्रिप चाहिए, राउंड चाहिए, आप बनवा सकते हैं। अब गाइस सबसे पहले आप जहां जहां पे आपके माइनस प्लस पॉइंट रहेंगे PCB बेस में, वहां पे आपको आपकी LEDs जो कि 3 वॉट की है आपको सोल्डरिंग कर लेनी है। अब इसमें आप कौन सा कलर चूज करना चाहेंगे, यहां पे हम लोगों ने ब्लू, व्हाइट, वार्म व्हाइट, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया है। आपको जिस तरह से भी आपका डिजाइन बनाना है लाइट का, उस हिसाब से आप अपनी LEDs को यूज करके लगा सकते हैं। आपका डिजाइन बनाइए, आपको कौन से लाइट का इफेक्ट चाहिए, आपको क्या गेटअप डालना है, आपको UV डालना है उसमें, आपको पर्पल ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं गाइस। अब हमारा हो गया, ये देखिए टेस्टिंग कर लेंगे। सेंटर में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, आप उसमें विद हेल्प ऑफ टेस्टर आप उसको चेक कर सकते हैं। अब ये हमारा PCB बेस रेडी हो चुका है। अब सेंटर में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन करने के लिए आप ब्लैक और रेड 0.5 का वायर यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि PCB के सेंटर में एक होल है, उसके थ्रू आप वायर को निकाल लीजिएगा, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम जहां पे भी इसको लगाएंगे हम बैक साइड में उसको वायर को निकालने वाले हैं। उसी तरह से दूसरा PCB बेस को भी आप अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लीजिए। आपकी LEDs जो भी लगानी है आपको लगाने के बाद इसको भी आप टेस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए दोनों हमारी ओके है, इस तरह से आपको इसको लगा लेना है और टेस्ट कर लेना है। सो गाइस सेंटर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को लगा लेने के बाद सेंटर में से आप निकाल सकते हैं। नाउ अब जो हमारी हिक्सिंग प्लेट है उसके ऊपर हमको हमारी PCB को लगाना है, तो उसके लिए हम उसको कैसे लगाएंगे। आप PCB को ड्रिल करके होल के थ्रू भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि इसके सेंसर में दो होल दिए हुए PCB के आप देख रहे हैं, और या तो फिर दूसरे तरीके से आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, क्योंकि अगर जो आपको ड्रिल नहीं करनी है ज्यादा तो वो हिसाब से आप इसको विद द हेल्प ऑफ पेस्ट लगा सकते हैं। सेंटर में आप एक होल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो वायर है, जो सेंटर का नेगेटिव पॉजिटिव वायर है आपका, उसके लिए आपको ड्रिल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप सेंटर में ड्रिल कर लीजिएगा मार्किंग करके। आपकी लाइट का जो भी सेंटर बनता है वो हिसाब से आप उसको मार्किंग करके सेंटर में से वायर निकाल लीजिए बैक साइड में। ये देखिए इस तरह से ये दो होल दिए हुए हैं, हर एक PCB में दो होल आएंगे, आप जिस तरह से डिजाइन करवाएंगे वो हिसाब से आपके होल्स हो जाएंगे गाइस। अब एरोलाइट ले लीजिएगा, अगर जो आपको ड्रिल करके उसको स्टिक नहीं करना है तो एरोलाइट लगा लीजिए,
एलर्ट लगाने के साथ में आपको हिक्सिंग पेस्ट आता है गाइस। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएंगे जहाँ पे आपको एलईडीज मिलती है, वहाँ पे से आप हिक्सिंग पेस्ट लेके आ जाइएगा। एरोलाइट जो कि फास्ट ग्लू है, एरोलाइट में दो तरह के ग्लू आते हैं, आप उसको मिक्स करके हिक्सिंग पेस्ट जो है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको हिक्सिंग पेस्ट बोलते हैं, जो कि आपकी जो पीसीबी है उसका हीट ऑब्जर्व करता है। इसको आप एरोलाइट के साथ मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह। आप जितना एरोलाइट ले रहे हैं उससे 40% कम 60% आप पीसीबी पेस्ट जो आता है हिक्सिंग पेस्ट, आप उसको ले लीजिएगा और उसके बाद इसको इस तरह से लगा दीजिएगा। क्योंकि आपकी जब एलईडी हीट होएगी तो वो टाइम पे आपका जो पीसीबी पेस्ट, पीसीबी हिक्सिंग पेस्ट जो आता है, जो गर्म होने पे इसको ठंडा रखता है, वो हिसाब से आप इसको लगा लीजिए। और विद इन 5 to 10 minutes गाइस ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है। हमने यहाँ पे ड्रिल नहीं किया है क्योंकि बार बार ड्रिल करेंगे तो वो मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है। अब हमारा पीसीबी और हिक्सिंग प्लेट रेडी हो चुकी है। अब हमारा बॉडी का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी के लिए गाइस हम लोगों ने 5 mm का एक्लेरिक यूज किया है जिसकी हम लोग बॉडी बना रहे हैं। आपको जिस तरह की बॉडी बनानी है उस तरह का आप डिजाइन बनवा लीजिएगा सीएनसी मशीन के ऊपर। सो ये हमारी सीएनसी मशीन है जहाँ पे हम लोग हमारा काम करते हैं। हमारा डिजाइन रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिजर मशीन की हेल्प से काट सकते हैं। कोई भी चीज बनाए गाइस, आप फिनिशिंग के साथ बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो आप जितना अच्छा बना सकते हैं गाइस, अपने हिसाब से आप अपनी डीआईवाई लाइट बना सकते हैं। थोड़ा डेडिकेशन देना है गाइस, आप थोड़ा डेडिकेशन देंगे आप अच्छी से अच्छी एलईडी लाइट्स बना सकते हैं। अब हमारी बॉडी आ चुकी है तो बॉडी को हमें कैसे लगाना है, किस तरह से उसको ग्लू करना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये हमारा बेस है गाइस जो कि हमने 15 inch by 5 inch का लिया है। गाइस आज के वीडियो में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा कफ है, तो वॉइस के लिए माफी चाहूंगा अगर जो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी तो, बट आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब ये जो फास्ट ग्लू है एक्लेरिक के लिए एक्सा बॉन्ड करके आता है, आप इस फास्ट ग्लू को कोई भी हार्डवेयर से आपको मिल जाएगा, आप उसकी हेल्प से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले साइड का जो आपका एक्लेरिक है उसको आप पेस्ट कर लीजिएगा। हमारा बेस जो है वो है 15 inch by 5 inch का। आप जो भी साइज की एलईडी बना रहे हैं, जो भी साइज की आपकी लाइट बना रहे हैं, वो साइज से आप डिजाइन करके आप एक्लेरिक को कटवा लीजिएगा। हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो है 15 inch by 5 inch का, तो वो हिसाब से हमने ये हमारा जो बॉडी है उसको हमने डिजाइन किया है। आप अपने हिसाब से अपना डिजाइन कीजिएगा गाइस, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बनाया है वैसे ही आप बनाइए। आप अपना डिजाइन बनाएंगे गाइस तो आपको अलग से खुशी होगी, लेकिन अगर जो आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप वो हिसाब से साइज कट कर लीजिएगा। साइड्स में आपको 10 mm माइनस करना है क्योंकि 5 mm हमने यूज किया है और हाइट में 5 mm कम करना है। तो उस हिसाब से आप कोई भी बॉडी बनाए तो अपना मेजरमेंट लेके सीएनसी मशीन के ऊपर कटवा लीजिएगा, सो देट आपको पेस्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और इसको अच्छी तरह से पेस्ट कीजिएगा गाइस। यस सो गाइस, जैसे ही आपकी बॉडी बनके रेडी हो जाती है, अब सवाल आता है आपकी हिक्सिंग प्लेट जो है, जो कि आपकी एलईडीज के ऊपर पीसीबी पेस्टेड है, उसको आपको कैसे माउंट करना है। अब आपकी जो बॉडी है उसमें सेंटर के हिसाब से मेजरमेंट करके आपकी प्लेट के हिसाब से 4 holes कर लीजिएगा गाइस। ड्रिल बिट आप अच्छी क्वालिटी की यूज कीजिएगा। आप 4 holes करने के बाद आपकी जो हिक्सिंग प्लेट है उसमें भी आप वो होल के हिसाब से मेजरमेंट करके सेंटर जो कि आपकी एलन के बोल्ट्स उसमें अच्छी तरह से हुक्स टाइट हो जाए, वो हिसाब से आप 4 holes कर लीजिएगा हिक्सिंग प्लेट में। ये देखिए
जैसा आप बॉडी में होल करेंगे उस हिसाब से आप फिक्सिंग प्लेट के ऊपर भी होल कीजिएगा। अब टाइम आता है आपकी वायरिंग का। सो गाइस, आपने जो फिक्सिंग प्लेट के ऊपर आपको वायरिंग करनी है उसको इस तरह से करनी है कि आपके वायर्स एक दूसरे से ना मिले, कहीं भी शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे वायरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आप कोई भी चीज मत छोड़ेगा, आप बारीकी से पूरी लाइट को देखेगा तो आप बना पाएंगे। अब हमारी जो दो पीसीबी हमने इसमें यूज की है, जिसमें से एक पीसीबी का जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर है, नेगेटिव को पॉजिटिव में आपको ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए, ये जो हमारा लेफ्ट साइड का पीसीबी है उससे हम राइट साइड की पीसीबी के पॉजिटिव से उसको जोड़ देंगे। और विद द हेल्प ऑफ हिक्सिंग ट्यूब, ये जो आप देख रहे हो इसको हिक्सिंग ट्यूब बोलते हैं, कोई भी आप वायरिंग करें तो उधर पे हीट होके वायर को कभी इशू ना हो, एक दूसरे से आप वायर के ऊपर टेप लगाते हैं उसकी जगह पे आप हिक्सिंग ट्यूब को लगा सकते हैं। आप वायरिंग को ज्वाइंट करने के बाद उसको सोल्डर भी कर सकते हैं, सोल्डर करके आप आपकी जो हिक्सिंग ट्यूब है आप उसको इस तरह से लगा लीजिएगा। आप लाइटर यूज कर सकते हैं या फिर माचिस की हेल्प से भी आप उसको अच्छी तरह से गर्म कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दीजिएगा, वो अपने आप वहां पे वायर के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस, तो इसीलिए कभी भी आप जब वायरिंग करें तो उसमें अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कोई भी वीडियो देखें आप तो उसको अच्छी तरह से देखिएगा और वो हिसाब से आप एक नोट पैड ले लीजिएगा। जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ आपको, नोट पैड लेके आप उसके ऊपर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कौन से टाइम पे कौन सा पॉइंट और किस तरह से करना है। अब जो हिक्सिंग ट्रैक है उसके अंदर जो गैप्स रहते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस तरह से वायरिंग को करने का। अब हमारे जो दोनों पीसीबी में से जो आउटलेट निकले हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। अब जो हिक्सिंग ट्यूब है, हिक्सिंग ट्यूब को हमने यूज किया है यहाँ पे हर एक जगह पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर कभी भी शॉर्ट सर्किट होए, तो सेफ्टी के हिसाब से आप अपने वायरिंग को उस तरह से कीजिएगा। अब ये हिसाब से आपको आपकी वायरिंग जो है उसको लगा लेना है। अब आपकी वायरिंग रेडी हो चुकी है। नाउ अभी इसको कनेक्टर में जो लगाना है आपको, तो कनेक्टर में लगाना है उसके पहले आप आपकी जो बॉडी है, जिस बॉडी में हमने एक कॉर्नर में जो होल किया है उसमें से आप कनेक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। आप कोई भी तरह का कनेक्टर यूज कर सकते हैं गाइस, मार्केट में बहुत तरह के कनेक्टर अवेलेबल हैं। आप अपने डिजाइन से भी लाइट बना सकते हैं। आपको कनेक्टर कैसे डिजाइन करना है, आपको ये जो लाइट है इसको और भी अच्छी तरह से बना सकता था मैं प्रोफेशनल वे में, और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन आपके लिए हार्ड ना हो इसलिए मैंने आपको इजीली जिस तरह से बनाना है उस हिसाब से आपको बता के मैंने बताया है। अब कनेक्टर को आप बाहर से होल करके लगा सकते हैं और जितना आपको वायर चाहिए उतना आप वायर रखें और उसके बाद आप एक्स्ट्रा वायर को कट कर लीजिएगा। ज़्यादा अंदर वायर को मत रखिएगा, आप जितना हो सके शॉर्ट और कम से कम वायर का यूज कीजिएगा अंदर। अब जो आपका जो कनेक्टर वायर है आप उसको अच्छी तरह से आपके जो कनेक्टिंग पीसीबी है उसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिव में कनेक्ट कीजिएगा। अब आपकी बॉडी जो है उसमें आपकी हिक्सिंग प्लेट को आप लगा लीजिए। अब ये हमने यहाँ पे जो है गाइस हैवी हिक्सिंग प्लेट और हिक्सिंग ट्रैक यूज किया है। इस एलईडी में हम लोगों ने डीआईवाई एलईडी में फैन यूज नहीं किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया है फर्स्ट पार्ट में कि आपको एक फैन की जरूरत है। यस गाइस, फैन की जरूरत है। अगर जो आपको फैन लगाना है तो फैन के हिसाब से आपको आपकी बॉडी बनानी है जो कि आप उसको अंदर इंस्टॉल कर सके। जो सेंटर में गैप दिया है वो इसीलिए दिया है कि आपको बाहर से भी फैन इंस्टॉल करें तो बाहर से फैन इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर जो अंदर से भी करना है इंस्टॉल तो अंदर से भी इंस्टॉल कर सकते हो फैन।
आपकी जो LEDs है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी LED कितनी हीट प्रोड्यूस करती है। तो जो हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है, डिज़ाइन किया है, वो हिसाब से हमको फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने इसमें फ़ैन नहीं यूज़ किया है। एंड गाइस, वायरिंग कनेक्ट करने के बाद आप हमेशा याद रखिएगा, हिक्सिंग ट्यूब जो है उसका आप यूज़ करें। कोई भी वायर को आप ज्वाइन करें तो वहाँ पे आप हिक्सिंग ट्यूब जो है उसको ऊपर से लगा के उसको हीट कर दीजिएगा, सो दैट आपकी वायरिंग सेफ हो जाएगी। हिक्सिंग ट्यूब लगाने से गाइस एक और अच्छा बेनिफिट भी ये है कि आपकी फिनिशिंग अच्छी दिखती है। आप टेप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेप कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसीलिए आप हिक्सिंग ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। आई नो गाइस आज की वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन अगर जो आपको सब कुछ सही सही बताना है तो ये वीडियो को आपको अच्छी तरह से ही देखना पड़ेगा गाइस। मैं ये वीडियो को दो पार्ट में बनाने वाला था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा तो फिर वापस प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए एक ही पार्ट में लंबी वीडियो बनाई है। अब आप पॉजिटिव पॉइंट को भी अच्छी तरह से ज्वाइन कर लीजिए। अब इसको ज्वाइंट करने के बाद हम इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे। आपका जो एक्स्ट्रा वायर है उसको आप कट कर लीजिएगा। वायर को आप सोल्डरिंग कर लेने के बाद जितना है वायर आपको रखना है उतना ही आप रख के उसको कट कर लीजिए वापस। अब आपका जो हिक्सिंग ट्यूब है, सोल्डरिंग करने के बाद आपके हिक्सिंग ट्यूब को वायर के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक कर दीजिएगा। आप स्लाइटली उसको ऊपर की तरफ करेंगे तो वो आपके वायर के ऊपर अच्छी तरह से आ जाएगा। आप हिक्सिंग ट्यूब जो है वो हमेशा ये देखिएगा कि आपकी जो हिक्सिंग ट्यूब है आपके वायर के हिसाब से थोड़ी बड़ी रहे। अब यहाँ पे जब हमने हिक्सिंग टेप और हिक्सिंग ट्यूब को यूज़ किया है, जहाँ पे वायर को ज्वाइंट करना था एक दूसरे में, वहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ा सा टेप यूज़ किया है गाइस। अभी हमारी वायरिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम हमारी PCB प्लेट जो है, हिक्सिंग प्लेट और हमारी जो मेन LED है उसको हमारी बॉडी में हम लोग फिट कर लेंगे। जो हमने चार होल्स किए थे, हमने यहाँ पे एलन की बोल्ट का यूज़ किया है गाइस, जिसको हम लगा लेंगे। देखिए इजी है, आप अपने हिसाब से, आप जितना इजीली अपने बॉडी को बनाएंगे उस हिसाब से आप इजीली अपने बॉडी को फिट भी कर सकेंगे। अब हिक्सिंग प्लेट जो है, जो आपकी बॉडी में उसको आपको टाइट करना है, उसको आप ज़्यादा भी टाइट मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक्लेरिक की है, तो जितना स्लाइट आप टाइट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा भी टाइट मत कीजिए, ज़्यादा भी लूज़ मत कीजिएगा, उस हिसाब से आप इसको, आप एलंकी की हेल्प से आप इसको टाइट कर लीजिए। ये देखिए ऊपर साइड में आपको एलंकी यूज़ करनी है, जिसकी हेल्प से आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये चार बोल्ट जो हैं एलंकी बोल्ट है, ये SS के है, प्योर SS, सो दैट आपका जो लाइट है इवेपोरेशन की हेल्प से, जो नॉर्मल स्क्रू जो आप यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे प्योर SS के एलंकी नट बोल्ट यूज़ किए हैं। आप भी प्योर SS के एलंकी बोल्ट यूज़ कीजिएगा, जो कि अच्छी तरह से आपके लाइट में यूज़ हो सके और लॉन्ग लास्टिंग हो सके, लंबा चले। इस हिसाब से आप अपने एलंकी बोल्ट से, आप अपने एलंकी बोल्ट्स को टाइट कर लीजिएगा बॉडी में। आपकी हिक्सिंग प्लेट जो है वो इस तरह से टाइट हो जाएगी। इस तरह से आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी गाइस। अब फ्रंट साइड में आपको जो ग्लास लगाना है या फिर आपको जो एक्लेरिक शीट लगानी है, हमने यहाँ पे अलग शीट यूज़ की है गाइस, क्योंकि ये शीट जल्दी अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए आप एक्लेरिक शीट का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो है आप शीट देख रहे होंगे, ये अलग तरह की शीट आती है, जो स्पेशली हाई एंड LEDs के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन आप एक्लेरिक शीट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लास में आपको होल कैसे करना है उसके लिए आपको ग्लास वाले के पास ही जाके आपको ग्लास में होल करवाना पड़ेगा। आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए सेंटर में, साइड्स में आप ड्रिल कर लीजिएगा इस तरह से।
आपकी जो बॉडी है फ्रंट साइड में आपको किस तरह से होल्ड करने हैं, कितने डिस्टेंस में लेना है, आप उतना डिस्टेंस मार्क करके आप ड्रिल कर लीजिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 होल किए, इस हिसाब से आप 3 होल कर लीजिएगा। ये हमारे 3 होल हो गए रेडी, अब हम इसको हमारी बॉडी के ऊपर लगाएंगे। यस, आप एलएनकी बोल्ट एसएसके ही यूज कीजिएगा गाइस, क्योंकि एसएसके एलएनकी बोल्ट यूज करें या दूसरे भी यूज करें, आप प्रॉपरली उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और ज्यादा भी टाइट मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि प्लास्टिक एक्लेरिक ही है, एंड ऑफ द डे टूट सकता है। ये हाई एंड के एक्लेरिक है, लेकिन कोई भी एक्लेरिक हो टूट सकता है, तो इसीलिए आप वो हिसाब से इनको अच्छी तरह लगा के टाइट कर लीजिएगा। ज्यादा भी टाइट मत कीजिएगा, थोड़ा स्लाइटली टाइट कर लीजिए। सो आपकी बॉडी बन के रेडी हो चुकी है, आपकी एलईडी लाइट बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं चला के। ओके, चलिए ये देखिए, है ना गाइज, आपकी एलईडी लाइट रेडी हो चुकी है। गाइज, डीआईवाई लाइट बनाने से आपके ये फायदे हैं कि आपकी एलईडी लाइट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका ड्राइवर ख़राब होता है या तो फिर एलईडी, जिसको आप इजीली रिमूव करके वापस आप यूज़ कर सकते हैं गाइज। अगर जो आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं, एंड आप खुद लाइट बनाएंगे तो आपको कितनी खुशी होगी कि ये लाइट मैंने बनाई है, एंड मेरा जो टैंक है वो कितना अच्छा दिख रहा है। सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो ग्लास है ऊपर का, ये इम्पोर्टेड है, तो वो हिसाब से उसके इफेक्ट भी आप देख लीजिए गाइस, है ना गाइस, अलग इफेक्ट। इसी तरह से ये जो आप ऊपर देख रहे हो लाइट, ये भी डीआईवाई लाइट है, और टैंक का कैटअप आप देख ही रहे हो, तो ये भी मैंने ही बनाई गाइस, आप भी बना सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है गाइस। लेकिन एलईडी लाइट्स बहुत तरह में और बहुत तरह की एलईडी लाइट्स बनती है, उसमें अलग अलग तरह के एलईडीज यूज होती है, मैं सब कुछ तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग जो चीज़ बना सकते हो इजीली, वो मैंने वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। बहुत तरह की वीडियोज है गाइस, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज बता, सो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये बना सकते हैं इजीली, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस। एंड गाइस, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मेरी जो मैंने डिजाइन की थी कस्टमाइज बार लाइट, आप लोगों को बहुत पसंद आई, आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यू दिया है उसके ऊपर, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसको लिया भी है। एंड उसमें से एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, जो कि क्यूब टैंक है छोटा, उसका ये वीडियो आप देखिए। ये चेन्नई के एक धनुष करके एक फ्रेंड है, उन्होंने लिए, उनका वीडियो ये शेयर किया उन्होंने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है उनसे, है ना, उनको बहुत अच्छी लगी है। एंड थैंक यू धनुष फॉर द वीडियो, और आप लोगों ने भी अगर जो लिए तो आप भी अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मैं सबकी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि गाइज मेरा एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ मेरे तक नहीं रहता है, मुझे आप तक शेयर करना है वो चीज़। और अगर जो आपको भी लगता है कि आपकी कोई वीडियो मुझे शेयर करनी चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी shiv2009s2 है गाइज, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अब डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं नंबर नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि गाइस काम करता हूँ, तो दिन रात सब लोग आप फोन करेंगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का डिटेल मैं लिंक में दे दूंगा। ओके गाइस, सो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी शायद, अगर तो सच्ची में आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, और आप लोगों को डीआईवाई लाइट बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और कभी भी आप फेल नहीं होंगे। ओके गाइस, अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक हमेशा मिले, मेरा ज्ञान आप लोगों तक आ जाए, मुझे उतना ही बस हो गया। सो गाइस, आप लोग अगर जो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो बीच में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो चली जाती है, आप वो पॉइंट छोड़ देते हो, फिर बाद में कमेंट में आप लोग पूछते हो इसका क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए। आप वीडियो को देखिए,
बाकी भी वीडियोस देखिए, आपके हर तरह के सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे। और ये जो एलईडी मैंने बनाई है, इसमें टाइमर, प्रोग्रामर, अलग अलग चीज़ें हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा गाइस। लेकिन आपको जो टाइमिंग देना है आपके रील टाइम को, आपके मरीन टाइम को, वो 8 आवर्स का होना चाहिए। आप ओवरलाइट मत दीजिएगा लाइट के ऊपर, अलग से मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि 8 आवर्स का आपको टाइमिंग देना है। ओके गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैवी हैप्पी मरीन लाइफ गाइस। मच्योर से।